नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त-व्यस्त हो चली है, तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के प्रोत्साहन से हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। तो इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं, वो पेशे से तो इंजीनियर रहे हैं लेकिन उनको 45 वर्षों से अधिक का रंगमंच का भी अनुभव है। आप एक्टर, राइटर, डायरेक्टर तो है ही, साथ ही आपको लाइट डिजाइनर के रूप में भी जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के ख्याति प्राप्त श्री गोपाल सिन्हा जी की। नमस्कार सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार तृप्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और भारतेंदु नाट्य अकादमी का कि जो आज इस रंग समागम 2020 के अवसर पर हम और आप एक दूसरे के सामने हैं और अपनी बातों को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भारतेंदु नाट्य अकादमी का। आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ एवं सकुशल अपने घर पर होगा। बिल्कुल, आप लोगों की दुआएं काम कर रही हैं। फिलहाल तो सब कुशल मंगल है और मैं आशा करता हूं तृप्ति जी, आप और भारतेंदु एकेडमी का जो पूरा परिवार है सब लोग कुशल मंगल से होंगे उस कोरोना काल में, और सब लोग ठीक रहें, आगे तक भी ठीक रहें सब। शुक्रिया सर, हम सभी सकुशल हैं, धन्यवाद। तो सर, बढ़ते हैं कार्यक्रम में पहले प्रश्न की ओर, और सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो यही जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट कैसे रंगमंच की ओर मुड़ा, इसके पीछे कैसी क्या कहानी रही? मैं समझ सकता हूँ आपकी उत्सुकता। ये देखिए, रंगमंच से कह लीजिए या जो भी हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वो कुछ बचपन से शौक था। जब छोटे बचपन थे तो बचपन में हमारे स्कूल में, आपने भी सुना होगा, पहले हाउसेज होते थे या बाल सभाएं होती थी स्कूल में, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस या इस तरह के बाल सभाएं होती थी। तो एक आपस में कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स होती थी कि हमें कुछ करना है। तो बचपन में नाटकों से जुड़ा हुआ, मुझे अभी तक याद है पहला नाटक मेरा अंधेर नगरी था। मैं शायद चौथी पांचवी क्लास में रहा हूँगा और हमारी क्लास टीचर ने तैयार करवाया था और एनुअल फंक्शन में उसमें उस नाटक को, जैसा आप जानती हैं इतना अच्छा नाटक है, तो उसमें काम किया था। उसके बाद फिर डिबेट में, फिर उस समय तो पता नहीं था हम क्या बनेंगे, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों, जब कभी भी गतिविधियां स्कूल में होती थी तो जो नाटक होते थे स्कूल में, हमारे टीचर लिखते थे या जो भी होता था, बड़ा हमें अच्छा लगता था। उस और पूछा क्या करोगे भाई, तो वैसे मैं बहुत डिबेट में पार्टिसिपेट करता था, तो मैं कहता था अपने टीचर से कि सर या जो मैडम होती थी कि आपकी मैं नाटक में जरूर काम करूंगा। तो वो सिलसिला तृप्ति चलता रहा हमारे उस स्कूल में। फिर जब कॉलेज में हम आए तो आप जानती हैं उस समय प्रेशर होता है कि कैरियर, आपको पढ़ाई लिखाई ध्यान देना पड़ता है। तो वो जो कॉलेज का टाइम था, इंटरमीडिएट और उसके आसपास का समय, तो फिर हम पूरा पढ़ाई में लग गए। और फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पहुंचे वहां पर, तो जब भी आपने क्वेश्चन किया कि रंगमंच में कैसे जुड़ा हुआ, तो जब मैं आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ, तो जब हम आईआईटी रुड़की में पहुंचे वहां पर, तो आप जानती हैं वहां पर रैगिंग अब तो खैर काफी प्रतिबंधित है, लेकिन बहुत ही हेल्दी रैगिंग होती थी। तो वो जो सीनियर्स होते हैं वो आपसे कुछ करवाते हैं, तो उन्होंने कहा तुम क्या करोगे, कुछ करो, क्या तुम्हारी स्पेशलिटी है। तो वो कुछ ऐसे ही जो हमने नाटक किए थे, कुछ किए थे जो दिमाग में आया, तो मैंने आपको से कैरिकेचर कह लीजिए, मिमिक्री कह लीजिए, तो मैंने कुछ करना शुरू किया। तो उससे देखा मैंने कि आई एम वेरी पॉपुलर अमंग माई सीनियर्स यार, हाँ कुछ कुछ करो। तो कुछ हम कैरिकेचर करते थे या मिमिक करते, कुछ भी कुछ करते थे। तो उससे क्या हुआ कि जब हम लोग का फ्रेशर्स प्रोग्राम हुआ वेलकम का, तो नेचुरली मैं उन लोग की लाइमलाइट में आ गया था उन लोगों के, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ तैयार करो। उन्होंने कहा गोपाल सिन्हा को पकड़ो, इसको पकड़ो, आप लोग ऐसा करो फर्स्ट ईयर के कुछ तैयार करो, स्टेज पर कुछ स्किट विस्किट करो।
तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 5-6 लोगों ने मिलके जो जोक्स होते हैं उनको मिला के कुछ हमने कर दिया। तो जब हमने कुछ कर दिया और फिर हम आगे बढ़े, फर्स्ट ईयर में जब आगे बढ़े तो पता लगा कि वहां पर हॉबीज जो हैं वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और एवरी ईयर वी हैव 25 मार्क्स, उसके 25 मार्क्स हर साल हैं और वो हर बच्चे को ज्वाइन करना है। तो पता लगा वहां हॉबीज की बहुत लंबी लिस्ट थी एंड फॉर्चुनेटली ड्रामा वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वन ऑफ द कि क्या कर सकते हैं आप, म्यूजिक था, म्यूजिक में आपका गाना था, डांस था, फिर बाकी स्पोर्ट्स के, गेम्स के। तो मैंने चूंकि उस समय चढ़ा दिया हमारे सीनियर्स ने और स्किट जो है बड़ी पॉपुलर हुई और हम ड्रामे का शौक था मुझको अंदर से, तो मैंने वो ड्रामा एज ए हॉबी ज्वाइन कर लिया। फिर जो ड्रामा से मेरा संबंध बना है ड्यूरिंग ऑल द 4 ईयर्स ऑफ माई इंजीनियरिंग, और लकीली एक ध्यान रखा कि पढ़ाई की ओर ध्यान रहे हमारा, वहां पर इस बात का ध्यान रखा जाता था कि हम लोग इसको अपनी हॉबी ट्रीट करें, पढ़ाई से हम लोगों का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन जो वो ड्रामा और रंगमंच जो मेरी लाइफ में एक आया, वो तृप्ति जी आज हम आपके सामने बैठे हैं उसी रंगमंच की वजह से ही। तो सर पहला अभिनीत नाटक कौन सा था और किन किन निर्देशकों के साथ आप काम कर चुके हैं, किन नाटकों में अभिनय किया? देखिए मैं जरूर, आपने जो पूछा है तो मैं संदर्भित करना चाहूंगा अपने उस 4 साल के जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पर हम लोग के यहाँ एनुअल फंक्शन होता था बहुत लार्ज स्केल पर। इवन की जो रुड़की एक बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप है आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर है, शहर के बड़े नामी गरामी लोगों को बुलाया जाता था और ओपन एयर थिएटर था, तो वहां पर ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, भले ही वो वहां के टीचर्स ने लिखे हो या उस समय रमेश मेहता, ये बात है मैं 69 में गया था वहां पर और 73 में मैंने पास किया, उन दिनों रमेश मेहता के नाटक जो हास्य नाटक, और आप जानती हैं स्कूल कॉलेजेस में हास्य नाटक ज्यादा चलते हैं, व्यंग चलता है, तो वहां पर इस तरह के नाटक मैंने किए और वो आपसी में हम लोग डायरेक्ट करते थे। उसके बाद वहां पर हम लोग के जो हॉस्टल्स थे उनका एनुअल फंक्शन होता था और उसमें भी सब बहुत ही स्टैंडर्ड के, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे। फिर जब मैं वहां से लखनऊ आया और जब मैंने यहाँ पर लखनऊ में ड्रामा ज्वाइन किया, वो अभी कहानी अलग बताऊंगा कैसे ज्वाइन किया, तो पहले जो मेरा यहाँ नाटक था वो था सत्य हरिश्चंद्र, ये के बी चंद्रा साहब थे जी। उन्होंने बहुत जाने माने यहाँ के वो निर्देशक रहे हैं और वो अपने भव्य मंच सज्जा के लिए बहुत जाने जाते थे। तो सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक था, तो उसमें भगवान विष्णु भगवान आते हैं इस तरह से जो सीन है, तो उसमें मैंने एक रोल किया था। और उसके बाद फिर हमारे एक मित्र हैं के अग्रवाल, वो भी इंजीनियर हैं और काफी वो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक इंग्लिश प्ले था द नाइट ऑफ 16 जनवरी, उसका एक ट्रांसलेशन किया उन्होंने अपराधी कौन, तो उसमें जो अपराधी कौन में जितने भी विटनेसेस वगैरह लोग बनते हैं, तो चूंकि हम लोग नए नए थे तो इस तरह से एक रोल मिला उसमें, तो वो मैंने किया, शुरुआत किया। उसके बाद फिर जो सबसे एक कहा जाए एक मेन रोल और बहुत बड़ा एक मिलता है वो था दया प्रकाश सिन्हा जी का नाटक सादर आपका, वो सन 76 में, नवंबर 76 में, वो उस समय उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी तो, और उसको डायरेक्ट किया था हमारे एक कुलीग और इंजीनियर हैं श्याम नारायण जी, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, तो उन्होंने इसको डायरेक्ट किया था और संकेत संस्था है यहाँ पर जिसका बताया मैंने, चंद्रा साहब वो उसके प्रमुख थे, तो वो उसमें मैंने लीड रोल किया, तो वो मेरी शुरुआत थी। उसके बाद फिर कई नाटक हुए, अभी जिक्र आएगा धीरे धीरे, तो मैंने लीड रोल भी किए, सपोर्टिंग रोल भी किए, फिर अभिनय धीरे धीरे छूटा भी। तो ये जो अभी आपने पूछा, तो उसके बाद जहां तक एक्टिंग की बात है तो मैंने शुरुआत करी के बी चंद्रा जी से, उसके बाद जो मेरे कुलीग्स थे, हमारे साथी लोग थे श्याम नारायण जी, फिर हमारे एक और इंजीनियर साथी थे, मैं बता दूं बार बार इंजीनियर ले रहा हूं मैं, जो हमारी लखनऊ में संस्था जो मैंने पहले ज्वाइन करी संकेत, वो ज्वाइन भी इसीलिए करी मैंने जब 74 में हमारी नौकरी लगी, इत्तफाक से कहते ना जो जैसी जिसकी भावना वैसे ही उसको रास्ता मिलता है, मेरी नौकरी लगी यही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, लखनऊ में ही मेरी पोस्टिंग हो गई शक्ति भवन में। तो जब मैंने जाना आना शुरू किया तो हमारे सीनियर्स मिले, अरे बोले गोपाल आगे यार बस एक बंदा और मिला, मैंने क्या मतलब, कह लेंगे यार
शाम अपनी नाटकों में गुजरेगी, जो हम लोग अपना शौक था रुड़की का। मैंने कहा चलो भाई, तो एक संकेत नाट संस्था थी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो पता लगा कि वहां पर हमारे और भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इरिगेशन के, पीडब्ल्यूडी के, वहां के इंजीनियर्स जो अपने अपने कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नाटक कर चुके थे, वो सब वहां इकट्ठे थे। और वहां करीब 50% स्ट्रेंथ थी वो इंजीनियर्स की थी, हालांकि डॉक्टर्स भी थे वहां पर, कुछ प्रोफेसर्स भी थे। तो सब ऐसे ही लोग थे और सबकी ये हॉबी थी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फिर मेरा एक और फ्रेंड था इंजीनियर सुबीर अधिकारी, उसके डायरेक्शन में काम किया मैंने। तो ये थी हमारी शुरुआत की। अभी आप जब और पूछेंगी तो वैसे वैसे जवाब देता जाऊंगा। जी जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करना। तो ये तो हुई आपके एक्टिंग करियर की बात। एक्टिंग के बाद डायरेक्शन की कैसे शुरुआत हुई और लाइट डायरेक्शन के लिए कैसे मुड़े आप? देखिए, जो मैंने बताया ना आपको कि शुरुआती दौर में जब एक्टिंग के लिए गए भी थे, उस समय हमको लाइट वाइट का और सब चीजों का बहुत अंदाजा नहीं था कि इनका इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है नाटकों में। वो तो जब हम लखनऊ आए और हमने संकेत संस्था ज्वाइन करी, तो वहां पर जब रविंद्रालय में नाटक देखते थे या हमारे नाटक होते थे, तो आके बताते थे लाइट वाले कि देखो ये तुम्हारा स्पॉट है, यहाँ रहना, इसको देखना। तब चूंकि वहां तो करते थे शौक में और स्कूल कॉलेज का माहौल बहुत लाइट था, जब यहाँ किया स्टेज पर आकर तो लगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट उसके एलिमेंट्स हैं, मेकअप, ड्रेस, आपके मूवमेंट्स, एंगल, आपकी पोजिशन, जिसे कहते हैं हम लोग ब्लॉकिंग, तो उस सबसे गुजर रहे थे। तो बट आई वॉज कंसंट्रेटिंग कि मुझे तो एक्टर बनना है, एक्टिंग करूंगा। सादर आपका किया, फिर एक नाटक और मैंने किया, उसका उल्लेख करना चाहूंगा, बाप रे बाप, नाम सुना होगा, केपी सक्सेना जी का नाटक है। तो वो हमारे एक यहाँ पर मित्र थे, के अग्रवाल जी, जो मैंने बताया ना वो भी इंजीनियर, उन्होंने डायरेक्ट किया था और इट वॉज ए हिट। उसके बाद वो फिर उस समय लखनऊ, ये बात है 78 की, तो लखनऊ में लखनऊ टेलीविजन सेंटर खुल चुका था, तो उनको बहुत अच्छा नाटक लगा, केपी सक्सेना जी का था, तो उन्होंने इसको लिफ्ट किया, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई और फिर ये टीवी पे प्रसारित हुआ। ये तो उसकी हालत ये हुई कि जब मैं उसमें जो मेन करेक्टर है उसका घर में उसकी वाइफ बोलती है विकी डार्लिंग उसका, तो शायद मेरे ख्याल से नाम याद आ रहा है कुछ विकास भटनागर नाम था, तो वाइफ उसकी विकी डार्लिंग बोलती थी। तो जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, जब ये टेलीकास्ट हुआ और जब जाता था तो लोग मुझे बुलाते थे, अरे तो विकी डार्लिंग जा रहा है, हाय विकी डार्लिंग। तो नेचुरली लगता था कि एक्टिंग ही करें और लाइट के बारे में सोचा नहीं था। लेकिन हुआ ये तृप्ति जी की 3-4-5 साल बाद, जब मैं अपनी नौकरी में आगे बढ़ रहा था, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन ये था कि मेरी रोजी रोटी है, मेरा प्रोफेशन, मेरा इंजीनियरिंग है, ये मेरा हॉबी है। तो लेकिन मैं जब जिस डिपार्टमेंट में था, तो धीरे धीरे मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी, और ऐसा कभी मीटिंग हो गई, कभी लेट हो गए ऑफिस से, या कभी मुझे बाहर भेज दिया गया टूर पे। तो अब आप जानती हैं कि एक्टिंग करनी है तो आपको पूरे एक महीने की रिहर्सल, और चूंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा था, जिन लोगों से जुड़ा था, वहां पे डिसिप्लिन, वहां पे टोटल निष्ठा, समर्पण, अगर आप शो कर रहे हैं तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट, आपको रिहर्सल प्रॉपर करना है। तो मुझे लगा कि एक एक महीने की रिहर्सल एक्टिंग में चाहिए होगी, तो वो मुझसे छूटती जा रही थी बिकॉज ऑफ माई ऑफिशियल एंगेजमेंट्स। ऑफिस से लेट होते थे या हम 15 दिन के लिए कहीं ट्रेनिंग में चले गए, तो वो छूटने लगा मुझसे। तो मेरे जो गुरु समान, जो मेरे पहले डायरेक्टर हैं, के बी चंद्रा साहब, जैसे मैंने बताया कि वो भव्य मंच सज्जा के जाने माने एक शख्सियत रहे हैं थिएटर की, आज अभी 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार गोपाल, तुम नहीं आते हो, तुम रहते नहीं हो, तो यार ठीक नहीं है, तुम्हारे सारे इतने लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि मुझे भी इच्छा है, लेकिन जिस जगह पर मैं पोस्टेड हूँ वहां पर मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आई कांट अफोर्ड कि मैं भाग भाग के आऊं और फिर करूं, मान लीजिए मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं यार तुम तो इंजीनियर हो, तुम ये लाइट्स क्यों नहीं करते हो? तो मैंने कहा सर आई डोंट थिंक कि इंजीनियर और लाइट्स तो एक टेक्निकल चीज है, अदरवाइज मेरी इंजीनियरिंग से बता दूं आपको, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि जो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उससे स्टेज लाइट्स का कोई बहुत महत्व होगा। बोले नहीं, बींग एन इंजीनियर तुम समझोगे चीजों को, और मेरी मानो तो तुम करो ही, एनकरेज मी, तो और तुम मेरे साथ रहो, तो और तुम्हारी जो दिक्कत है वो रेगुलर आने की, तुम जब रिहर्सल शुरू हो जाते हैं नाटक के पहले 4-5 दिन पहले, जब रन थ्रू शुरू हो जाता है, तब तुम आओ,
लाइट के बारे में समझो, उसको लाइट को, तो मेरे साथ रहो, सब चीज हो जाएगा। तो फिर मैंने वो जुड़ना शुरू किया। तो उस जमाने में केवी चंद्रा साहब जो भव्य प्रस्तुतियां करते थे, हरिश्चंद्र की, ओ अमेरिका, और इस तरह के जो प्रस्तुतियां थी, तो वो लाइट बुलाते थे डिजाइनर दिल्ली से, उनके जानने वाले थे शिवेंद्र, तो वो लखनऊ आते थे, तो मैं उनके साथ लगा रहता था। तो फिर मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे लगा कि ये कुछ चीज क्रिएटिविटी वाली है। आप लाइट के साथ खेल रहे हो, स्पॉट है, जनरल लाइट है, एपर्चर बड़ा कर दो, छोटा कर दो, लाइट है, कौन सी लाइट है। तो आई स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट, और मुझे सूट भी कर रहा था कि मेरी थिएटर में मेरी प्रेजेंस थी और मेरी इंपॉर्टेंस भी थी। अरे भाई गोपाल कहाँ गए, अरे भाई एक्टर भी, भाई तुम आओ जाओ यहाँ पर खड़े जाओ लाइट सेट करना। तो फिर धीरे 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 बिकॉज ऑफ माई ऑफिशियल कंपल्शन मैं लाइट की ओर मुड़ा, लेकिन ये शायद मेरे गुरुजनों की, मेरे कुलीग्स की, ये मेरे वेल विश, मेरे लिए वेल विश, उनकी तो शुभकामनाएं थी और उनके लिए गुड विशेस थी कि शायद मैं अपने काम में शायद अच्छा करने लगा था। तो एक के बाद फिर मुझको क्या होने लगा, मेरे दोस्त लोग, यार ऐसा है गोपाल नाटक शुरू करने जा रहे हैं तो तुम तो बिजी रहोगे, लेकिन लाइट तुम्हें करनी है। मतलब वो क्या कर रहे थे कि मुझे एक्टिंग की जगह मुझे लाइट में मुझे डाल देते थे। एनीवे, बट दैट वाज माय प्लेजर। तो मैं केवी चंद्रा साहब के सानिध्य में मैं आगे बढ़ता रहा, और इस तरह से मेरी लाइट की जर्नी शुरू हुई, और फिर वो मेरे लाइफ जो थिएटर लाइफ है उसका बहुत इम्पोर्टेंट वो एक यात्रा बन गई, जो रंग दीपन की। तो सर क्या लाइट डिजाइनिंग के लिए अलग से कोई कोर्स भी किया या कुछ पढ़ाई करी हो अलग से, या सिर्फ शौकिया ही देखते देखते सीख गए? हाँ, ऐसा था कि कह तो सकते हैं आप, मैं देखते देखते सीखा, लेकिन जब मुझे मौका मिला बीच में, आपके भारतेंदु एकेडमी में एक बार वर्कशॉप हुई थी 15 डेज की, तो वो मैंने अटेंड करी थी, वो सर्टिफिकेट है मेरे पास। तो बढ़िया। उसके बाद फिर जब कभी भी कोई मुझे लगता था कि बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर नाटक करने, तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उनकी रिहर्सल्स में जाऊं, उनके नाटकों को देखूं और उनसे मैं व्यक्तिगत मिलूं। जैसे और भी लखनऊ में बाहर से लोग आते थे, तो मैं कोशिश करता था कि मैं जाऊं, मैं बात करूं, सीखने की कोशिश करूं। मान ली मैं दिल्ली गया टूर पे, तो मैं नाटक देखने गया रंग मंडी हाउस, तो मैं एक्टिंग पर मैं ध्यान क्या हो रहा है स्टेज पर नहीं, लाइट कहाँ से कैसे आ रही है, कैसे कंट्रोल हो रही है, इस पे मेरा बड़ा ध्यान रहता था। तो आई थिंक जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ लाइटिंग की ओर, वो शायद मैं कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ एक समय के साथ साथ मैं सीखता गया, प्लस जो केवी चंद्रा साहब का मुझे सानिध्य मिला, प्लस जो मेरे साथ डायरेक्टर जुड़ते चले गए, उन्होंने जो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताई, और प्लस ऑफकोर्स जो 15 दिन का मेरा कोर्स था बीएनए का, बहुत यूजफुल था, जो बहुत कुछ बारीकियां थी लाइट्स की, वो जो मैं मिस करता था, एक तुक्का मारता था, होता ना जो उसका हार्डवेयर जो होता है, वो चीज जरूर मुझे मिली। लेकिन आप कह सकते हैं, और मैं भी कह सकता हूँ कि ये मेरी जर्नी के दौरान मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। सर आप एक निर्देशक भी रहे हैं, तो एक निर्देशक के रूप में पहला निर्देशित नाटक कौन सा था आपका, और कौन से ऐसे यादगार नाटक है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? क्या उनमें भी लाइट डिजाइनिंग और डायरेक्शन आप ही का था? तृप्ति जी देखिए, डायरेक्शन मैंने बहुत ज्यादा किए हैं तो मैं नहीं कहूंगा, मैंने 6-7 नाटकों के किए हैं, लेकिन चूंकि मैं मतलब मैं एक्टिंग से जुड़ा, फिर मैं लाइट डिजाइन से जुड़ा, और कुछ चांस की बात यह रही कि जो मेरा अपना इन्वॉल्वमेंट था थिएटर में, मैं हमेशा एक कोर ग्रुप में रहता था, कोई प्ले उठा तो मैं एक उसके मैनेजमेंट से भी जुड़ गया, तो मुझको मैं डायरेक्टर्स के सानिध्य में, तो मुझे लगता था कि काश कभी मैं पता नहीं डाइट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं दिमाग में, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कि मैं कर सकता हूँ। बहुत दिन हो गए, ये बात होगी शायद 2007-08 के आसपास की बात होगी, एक हमारे साथ में थे आईजी पुलिस हैं डीसी पांडे जी, वो एक्टिवली हम लोग के साथ इन्वॉल्व हो गए, हमारी संस्था में वो आए, और उन्होंने एक प्ले उठाया कांचन रंग करके, जो बहुत फेमस प्ले है, रमेश बोलता है कांचन रंग, शंभू मित्रा जी का है, और शायद रमेश मेहता जी ने उसको हिंदी में वो किया है। तो मुझसे बोले, गोपाल जी मैं
प्ले कर तो रहा हूं इसको, यार आप मेरे साथ जुड़ो इसके अंदर, आप लोग आप मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस मानता हूं, अगर दो दीवाने मिल जाएंगे, कॉमेडी प्ले है तो बड़ा मजा आ जाएगा, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था एज ए डायरेक्टर, तो मैंने कहा मैं लाइट तो करूंगा ही प्ले की, अंडरस्टूड हो बाद में अंडरस्टूड हो गया था कि संस्था में कोई प्ले होगा अगर मैं फ्री हूं, अगर मैं अवेलेबल हूं तो लाइट मैं करूंगा। तो इट वॉज ए गिफ्ट फॉर मी डीसी पांडे जी जो उसको करने वाले थे, तो मैं एज एन एसोसिएट उनका हो गया और हम लोगों ने ज्वाइंट डायरेक्शन किया उस प्ले का, कांचन रंग का और वो पैसा बोलता है, वो जो इस तरह के जो नाटक थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो कुली साथ के लोग थे उनको लगा कि भाई गोपाल सिन्हा तो एक्टिंग भी और लाइट ये यार ये डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो संगीत नाटक एकेडमी जो दिल्ली में है उसकी एक स्कीम आई थी जो कि पहली बार मुझे ये कह नहीं सकता कि वो युवाओं की थी, कोई स्कीम थी उनकी जो डायरेक्टर डायरेक्शन को प्रमोट करने की दी जाती थी। तो हमारे संस्था के लोगों ने मेरा नाम भेज दिया और कि बताओ यार उसमें है तुम्हारा डाल, तुम करो डायरेक्शन, दे एनकरेज मी। तो उस समय मैंने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहा था, तो बहुत कहानियां मंचित हुई हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी बालक, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा ये आज तक कभी नहीं हुई है, तो मैंने कहा यार ये मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वो बालक का प्रपोजल मुझसे लेके और वो फॉर्चुनेटली संगीत नाटक एकेडमी ने उसको अप्रूव कर दिया कि मैं उसको डायरेक्ट करूंगा, इन माय डायरेक्शन वो बालक अप्रूव हो गया। तो फुल फ्लेज्ड कहा जाए डायरेक्टोरियल असाइनमेंट मेरा उस बालक का था, फिर वो बालक थी कहानी, मैं उसको कुछ अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना चाह रहा था। तो हमारे कौर हमारे अग्रज हैं, मेरे गुरु मैं मानता हूं उनको, उर्मिल कुमार थपलियाल जी, उनके साथ मैं काम कर चुका था, मैं भी जिक्र करूंगा, उनके साथ ही बहुत अच्छी मेरी यात्रा रही है। तो मैं उनके पास पहुंचा, मैंने कहा सर ये कहानी है मुझे डायरेक्ट करनी है, ये मेरा कहा जाए सोल मतलब एक मेरा डेब्यू है डायरेक्शन का, सोलो पहली बार कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी आप स्क्रिप्ट लिख दीजिए बहुत बढ़िया, और मैं चाहता हूँ जो आपकी एक वो है थपलियाल जी की म्यूजिक की, तो उन्होंने बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट बना दी उसके लिए। तो फिर ये मेरा बालक जो था नाटक प्रेमचंद की कहानी पर आधारित, जिसका कि नाट्य रूपांतरण किया थपलियाल जी ने, उसमें म्यूजिक भी उन्होंने डाली, तो म्यूजिक ऑफकोर्स कंपोज उन्होंने करी क्योंकि मुझे म्यूजिक का नहीं था। उसमें आप जानती होंगी नीतू पांडे जो आजकल बॉम्बे में है, लखनऊ की हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे सहयोगी हैं संगम भवना जी, अजय शर्मा जी, तो हमारे कई साथी लोगों ने जो हमारे संस्था के थे, तो देट वॉज माई और ऑफकोर्स लाइट पर उसकी जो परिकल्पना मैंने ही करी थी। तो बालक मेरा पहला नाटक था। उसके बाद फिर एक और नाटक है सुदेश दीपक का काल कोठरी जी। मैंने नाटकों को उन्हीं को चुना जो बहुत ज्यादा नहीं हुए थे। काल कोठरी अगर आप पढ़िएगा वो थिएटर लाइफ में बहुत बढ़िया नाटक है। तो हमारे एक मित्र ने कहा गोपाल जी वो नाटक बहुत बढ़िया है, अगर आप हाँ कर दें डायरेक्शन के लिए तो मैं इसको करूं। तो खैर उन्होंने वो बनाया, फिर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ग्रांट मिली, उसमें मेरा डायरेक्शन था, उसमें वो मैंने किया काल कोठरी। वो अपने आप में बहुत, उसमें मैंने सेट जो है बिल्कुल सिंबॉलिक इस्तेमाल किया था, जो ब्लॉक्स होते ना उनको ब्लॉक्स, जो भी सीन चेंज करते थे, कोई फ्लैट्स वगैरह नहीं, ओनली ब्लॉक्स। तो वो मेरा था, एक बहुत अच्छा प्ले हुआ वो भी काल कोठरी। उसके बाद अभी मैंने बताया था आपको कि जो सादार आपका जो मैंने प्ले किया था 76 में, तो जयप्रकाश सिन्हा जी मुझसे बोले कि भाई मेरा ये नाटक का द्वितीय संस्करण आ गया है यार, ये मेरे बहुत नाटक बहुत हुए हैं, सादार आपका ज्यादा नहीं हुआ है। हाँ। तो मेरी इच्छा है कि तुम लोग कर सको। मैंने पढ़ा उसको तो मैं उसको मेन रोल कर चुका था, मैंने कहा बनता है ये, तो मैं किसी से क्यों कहूं, मैं खुद करता हूं। तो फिर मैंने उसको खुद किया और उसके फिर कई शोज भी हुए। फिर मेरे काम को देखकर यहाँ पर लखनऊ में एक बहुत अच्छे सिंगर हैं देवेश चतुर्वेदी, उन्होंने मेरे काम को देखा, उनके साथियों ने देखा, उन्होंने विवेकानंद जी की लाइफ के ऊपर एक संगीत रूपक बनाया, वो लाइव म्यूजिक थी उसमें और ड्रामा बहुत था उसमें, विवेकानंद जी की लाइफ के ऊपर ड्रामा उनको मानते हुए। तो दे केम टू मी, कह लें गोपाल जी आपका मैंने सुना है, अगर आप हमारे साथ काम करें, म्यूजिक तो इस तरह से है, बाकी ड्रामा पोर्शन जो है वो आपको पूरा प्रोडक्शन एज सच आपको करना है वो। तो मैंने कहा मुझे म्यूजिक का ज्ञान तो नहीं है, तो वो तो आप ही देखना, लेकिन ड्रामा चलिए मैं आई कैन हैंडल।
तो फिर वो विवेकानंद जी की लाइफ के ऊपर उसका नाम था प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज का फिर मैंने वो डायरेक्ट किया, मैंने उसका भी लास्ट शो जनवरी में हुआ था और उसको तो मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिला क्योंकि विवेकानंद जी के ऊपर था। एंड हमने जो लाइट भी ऑफ कोर्स मैंने ऑपरेट नहीं किया था लेकिन डिजाइनिंग मेरी थी, तो मैंने जो उसके एलिमेंट्स होते हैं स्पॉट लाइट है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा मिमिक उसको हमने गिमिक्स डाले उसके अंदर लाइट के होते ना, वो जब वो जंगल में घूम रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो मतलब फिर अमेरिका का सीन दिखाना है तो उसके, और फिर गाना देवेश चतुर्वेदी का वो एक अलग हाईलाइट थी। तो ये छोटे मोटे कुछ 4-5 प्लेज हैं जो मैंने डायरेक्ट किए थे। सर अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया थपलियाल जी का, हाँ, तो किन किन निर्देशकों के साथ आपने काम किया और उनके साथ क्या खास बातें जुड़ी हुई है नाटक को लेकर या किसी प्ले को डायरेक्शन को लेकर, वो हमारे साथ साझा करें। देखिए ऐसा था कि शुरुआत में बताया मैंने कि केबी चंद्रा साहब के साथ प्लस हमारे कुलीग से और सबने अपना अपना नाम कमाया श्याम नारायण, वो लखनऊ उस जमाने में, इस समय दुर्भाग्य से वो है नहीं, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में इंजीनियर थे, उन्होंने नाटक लिखे और उन्होंने खुद अभिनय भी करते थे डायरेक्ट भी करते थे। एक मेरे और इंजीनियर कुलीग थे सुबीर अधिकारी, वो भी बहुत अच्छे उस समय उन्होंने नाम कमाया उस जमाने में, उनका डायरेक्शन किया। उसके बाद फिर समय आगे बढ़ता गया तो जो हमारी संस्था के नाटक होते थे केबी चंद्रा साहब करते थे उसमें मैंने करी, फिर हमारे जो ये सब कुलीग्स थे श्याम नारायण सुबीर अधिकारी और भी जो कुछ नाटक हमारे संस्था में हुए वो हमने उसमें किए। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो मैंने नाम लिया आपको श्याम नारायण जी का, उन्होंने एक नाटक लिखा सूरज कहाँ से उगता है, वो आज की व्यवस्था पे बहुत बड़ा व्यंग है और बहुत ही बढ़िया नाटक है वो। तो उस समय तक चंद्रा साहब वगैरह धीरे धीरे रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे थे और श्याम नारायण जी चाहते थे कि हम उसको कुछ अलग हट के कुछ करा जाए उसमें, तो हम लोगों ने थपलियाल जी से बात करी, उर्मिल कुमार थपलियाल जी से, तो तैयार हो गए। तो इस बीच में थपलियाल जी ने कहा कि भाई इसमें तो मैं थोड़ा म्यूजिक डालूंगा, तो उसमें उन्होंने म्यूजिक डाली, तो उस समय उन्होंने मुझे एज एन एक्टर लिया थपलियाल जी ने। तो उसमें मैंने दो रोल किए थे अलग अलग, एक नेता का रोल था और एक प्रोफेसर का रोल था। तो नेचुरली आप थपलियाल जी को जानते हैं, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद हिम, लाइट किसी और ने करी थी तो उनके साथ मैंने काम किया थपलियाल जी के सामने। लेकिन उसके बाद से थपलियाल जी का एक और नाटक हुआ दर्पण संस्था में, तो वो था मुख्यमंत्री, तो उसमें उन्होंने मुझे बुलाया कि इसमें गोपाल जी आप, उसमें एक कॉरपोरेट हेड होता है कंपनी का मालिक, उसका मैंने रोल किया था। लेकिन इन दोनों नाटकों के अलावा वो थपलियाल जी ने इस बीच में जो मेरा लाइट का काम देखा तो उन्होंने मुझे लाइट के लिए पकड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि ये लाइट तो मैं गोपाल जी से ही करवाऊंगा। तो उनका एक जो आप बता रही थी कि आपका एक्सपीरियंस जो है, तो दो लाइट के दो जो था वो दो प्लेज ऐसे हैं जो थपलियाल जी के साथ के हैं, पहले मैं उनका बता दूं फिर मैं आपको भी किस्सा और बताऊंगा चंद्रा साहब के साथ वाला जो यादगार है। थपलियाल जी का एक प्ले था रक्तबीज, बहुत फेमस प्ले है जी। तो उन्होंने उसको किया था ऑक्टोपस के नाम से, उसमें फ्लैशबैक में बार बार फ्लैशबैक जाता है। तो अब ये था कि जो फ्लैशबैक को आप प्रेजेंट को आप अलग करेंगे तो उसमें ब्लेंडिंग ऑफ लाइट आपको कुछ करना पड़ेगा कि ये आए और वो फ्लैशबैक चला गया। तो वो मैंने डिजाइन इस तरह किया था कि क्या कि फ्लैशबैक और प्रेजेंट को आप डिफरेंशिएट कर सकें, तो बैकग्राउंड में मैं लाइट चेंज करता था। तो वो लोगों ने उसको बहुत सराहा और वो कैसे मैं करता था वो आज भी मेरे दिमाग में है, तो वह मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि वो प्ले वन ऑफ द माइलस्टोन आप कह सकते हैं, बिकॉज फ्लैशबैक में और आप क्योंकि पूरा सीन चल रहा है फ्लैशबैक में और आप उस जो चेंज ओवर है खाली चेंज ओवर रहेगा वो, ताकि पब्लिक को लगे कि ये फ्लैशबैक है, फिर आप चेंज ओवर करिए और ब्लेंडिंग ऑफ लाइट्स प्लस फिर वो एरियाज भी थे, तो एक वो नाटक। उसके बाद फिर थपलियाल जी ने हमारे साथ एक नाटक किया ब्रेथ की, उस पर आधारित था हमारे समय में तुम। अच्छा, तो हमारे समय में जो तुम था ये, इसकी बड़ी आपको मजेदार घटना बताऊं कि थपलियाल जी ने कहा भाई गोपाल जी आप तो लाइट करेंगे इसके अंदर, और उसमें उन्होंने बहुत सारे टेबलो बनाए थे एंड वो
बड़ा डिफरेंट टाइप का प्ले है, ब्रेथ के ऊपर है। आप जानती हैं ब्रेथ की, जो उन्होंने उसको रूपांतरित करके बनाया था कि वो हिटलर के टाइम का कैसे उसकी जातियां थी, कैसे लोग वो होते थे, कैसे वो शक्ति करता था, कैसी जातियां होती थी, वो सब चीजें उसमें दिखाई गई। तो क्या हुआ कि ऑल दैट कहानी अपार्ट की नाटक में क्या हो रहा था, हॉल बुक था लाइट के लिए, मैंने सब लाइट कर दी एक दिन पहले जी। हो गया, कहने गोपाल जी लाइट हो गए। उन्होंने ब्रेथ की एक वो अक्सर करते हैं जब ऐसे कहानियों पे काम करते हैं कि प्रेमचंद की कहानी पे हो या ब्रेथ की हो, या उन्होंने वो किया था ये किसी और पे भी किया था उन्होंने मंटो, तो वो क्या करते हैं उनके कटआउट्स लेके वो जरूर टांग देते हैं। कहने गोपाल जी ये टंगेगा ब्रेथ और इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर लाइट रहेगी, ओनली दैट, नथिंग बियॉन्ड दैट शुरुआत में। मैंने कहा ठीक है, तो वो मैंने सेट कर दिया लाइट जो मैं समझ सकता था, और मैं उनसे डिस्कस करके लाइट डिजाइन नेचुरली डायरेक्टर के साथ मैं करूंगा डिस्कस, मैंने लाइटें सब सेट कर दी, डिजाइनिंग कर दी, और ये हुआ कि रन थ्रू टेक्निकल रिहर्सल शुरू। जब हो गया तो मैं पहुंचा नीचे उमानाथ बली में, हो रहा था यहाँ लखनऊ में, ऊपर कंट्रोल रूम में मैं नीचे पहुंचा उनके पास, तो मैंने कहा कि उम्मीद थी कि भाई थपलियाल जी कहेंगे वाह, कह लें गोपाल जी मजा नहीं आया, कह लेंगे ये टोटल जो प्ले है हमारा उससे मैच नहीं खा रही आपकी लाइटिंग। तो मैंने कहा कि आपसे पूछ के किया मैंने जो कुछ भी किया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे वो मुझे अचीव करना है, मैं क्या करूं बताइए आप, अब तो और अगले दिन शो था। कह लेंगे आई डोंट नो, ये उनका बड़ा तकिया कलाम है, आई डोंट नो, यू आर माई लाइट डिजाइनर, आप देखो। तो मैंने कहा भाई आप मुझे बताएंगे तो क्या लगा, बोले जो कुछ भी आपने दिखाया इट इज ऑल ट्रेडिशनल एरिया करके, आई वॉन्ट सम एब्स्ट्रैक्ट, कैसे ला मुझे नहीं मालूम, कुछ एब्स्ट्रैक्ट करिए कि लगे कि ये कुछ ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कैसा है, कहेंगे चलिए मान लीजिए कि आपने ये जो ब्रेथ पे लाइट डाल रहे हैं आप, अभी तो आपका बिल्कुल ब्रेथ के ऊपर जा रहा है, स्पॉट पड़ रहा है, आपने स्पॉट को रेक्टेंगुलर बना दिया है, कुछ ऐसा लगे कि ब्रेथ दिखाई पड़े और कहीं शेडो कुछ आ जाए। तो मैंने कहा ब्रेथ की शेडो कैसे आएगी, अरे बोले फ्रेम की कुछ समथिंग कोई ऐसा करिए, पूरे नाटक में ऐसा करिए। समझ में नहीं आया, फिर मैंने दो तीन उनके एक आध और साथ में म्यूजिक में थे पीयूष पांडे और दो तीन लोग पूछा, कह लेंगे भैया ऐसा है गोपाल जी, अब थपलियाल जी की तो भैया थिंक, अब आप जानिए समझ लीजिए। फिर मैं गया मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब कुछ गाइड तो करिए, कह लेंगे मैंने आपको बताया था ना जो आपने किया वो मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा थपलियाल जी कल शो है कैसे करें, आई डोंट नो, इट इज योर प्रॉब्लम, यू आर लाइट डिजाइनर। आप यकीन नहीं मानिए तृप्ति, मैं घर आ गया, मैं सोचता रहा कैसे करूं, वही उनका टिप था कि वो ब्रेथ की जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है उस पर पड़े तो पीछे कहीं शेडो आए, समझ नहीं आया। और फिर सुबह मैं उठा, फिर नींद आ गई मुझको, सुबह उठा अचानक तो वो दिमाग में कट और शेडो ये चीज दिमाग मेरे आ गई। मैंने तुरंत मैं हॉल पहुंचा और मैंने दो तीन अपने एक्टर्स को बुला लिया था, मैंने कहा आ जाओ, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि जो जितने भी फ्रेम्स बन रहे थे, जितने भी टैबलो बन रहे थे जी। तो एक टैबलो बन रहा था, उसमें मशीन बनानी सारे जितने एक्टर्स थे उनको झुका के करके, तो मैंने क्या किया नीचे से फ्लड उसे फ्लोर से कुछ दो तीन लाइटें दी और तिरछी बड़ी दी, तो जो पीछे इस साइक पर उनकी शेडो पड़ रही थी, हम पहले नॉर्मल उनको दे रहे थे, जो एंगुलर पड़ी तो वो अजीब टाइप के मशीन दिखाई पड़ी टेबलो साइड पर, बट डिफरेंट शेप कि वो हाथ जा रहा है तो अजीब लंबा सा जा रहा है, मशीन पहिया अगर दिखाई पड़ रहा है कुछ किसी का हाथ का, तो फिर हिटलर को था, हिटलर कहता है कि कुछ उसका एक डायलॉग होता है कुछ करके, तो मैंने कहा कि इसको तो मैंने ऐसी लाइट दी जो उसकी टोपी से कटते हुए बिल्कुल आधी निकल गई, तो मैंने कुछ इस तरह से डिजाइनिंग करी। आए थपलियाल जी, बोले गोपाल जी क्या, मैंने कहा सर मैंने कहें यस यही आई वॉन्टेड दिस, तो बहुत मैंने भगवान को शुक्रिया किया, माँ सरस्वती की कृपा, जो कि जो चाह रहे थे आई कुड गेट इट और वो हो गया। उसका सर्टिफिकेट मुझको मिला एनएसडी के भारंगम में कई सालों बाद, यहाँ तो लाइट हो गई, वो हम और आप बैठते देखते हैं एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, थपलियाल जी खुश तो हम कन्हैया खुश, और दर्शकों भी अब जानते हैं आप लाइट को, अदरवाइज दर्शक बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं लेकिन बहुत दिन टिकती नहीं है वो, ये एक अफसोस रहता है लाइट डिजाइनर को।
तो वो भारंगम में सिलेक्ट हो गया, ये शायद बात है 2008 की जी। तो उसके जो यहाँ से फोटोग्राफ्स भेजे गए तो थपलियाल जी के पास वहां से कांटेक्ट आया कि भाई ये फोटोग्राफ बहुत बढ़िया है, ये लाइट लग रहा है डिजाइन है, तो ये देखिए लाइट डिजाइन में कोई चेंज ना हो जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो सेम आदमी है। तो जो वहां हम गए हमने हाँ। वो सेम चीज उसी कंसेप्ट को लेके किया हमने, तो वाकई में वो जो अगले दिन डायरेक्टर्स मीटिंग होती है उसमें लाइट को जो एक डिफरेंट टाइप की थी, डिफरेंट सीन्स में लाइट का जो कंपोजिशन था वो बिल्कुल हिट कर रहा था। तो बल्कि लोगों ने ये कहा कि जो हमारे समय में तुम जो नाटक इतना सक्सेसफुल हुआ उसमें मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन लाइट का है। क्या तो वो मेरे दिमाग में चीजें बसी हुई हैं जो कहते हैं कि आपको लगता है कि ये है। दूसरा एक जिक्र करना चाहूंगा, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी आप सब लोग जानते हैं, बीएनए के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका एक प्ले था बेगम और बागी। तो वैसे तो मैंने कभी उनके साथ हमारी संस्था में काम कर चुके हैं, तो उसके उन्होंने मुझे लाइट के लिए कहा गोपाल जी मेरा एक प्ले है इस कर दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ वो मैं बेगम और बागी की लाइट करने लगा, वो भी भारंगम में हुआ। अच्छा। और उसमें क्या था कि इसे मैं किसी एक जेल मतलब कई जहाँ पे लोग कैद जो लोग हैं वो कैद कर दिए जाते हैं और उसी के अंदर की पूरी एक कहानी है बेगम और बागी, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बहुत ही वॉर टाइम की है, कैसे लोग को कैद कर देते हैं और कैसे फिर वहीं पर कैसे लव स्टोरी की पुरानी बातें होती हैं। तो उसमें कई जगह ऐसा होता है लाइट मूव करती है, तो ऐसा ना लाइट में रिदम होनी चाहिए। तो वो एक नाटक ऐसा था कि जो वैसे तो जो नाटक होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही सेट है आपको डिफरेंट कर रहा है, तो वो लाइट के अलग अलग शेड्स के साथ वो लाइट मूव करती है, उसमें भी एक रिदम होना चाहिए कि मान लीजिए पुराना एक सैनिक है उसको पुरानी उसकी बिलेवेड मिल गई है, इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं, अभी यहाँ है अभी वहां है, तो वो लोगों को हाईलाइट हो जाए सीन, सीन पूरा डिस्टर्ब भी ना हो, बाकी लिए हाईलाइट ना हो। तो वो लाइट करके जो सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ के साथ मैंने काम किया वो भारंगम में भी हुआ, और फॉर्चुनेटली उसमें राज बिसारिया जी वहां पर उपस्थित थे जी। और वो उन्होंने कहा कि गोपाल मैंने बहुत सुना आज मैं तेरी लाइट देख रहा हूँ और वो भी एनएसडी में भारंगम में होने जा रही है, तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा बिसारिया जी का तो भाई एक अपना एक ऑरा है उनका, विच वी ऑल रेस्पेक्ट, उनकी लाइट में भी उनकी बहुत पकड़ है, तो मेरे तो यूं हो गया कि ये कहां से आ गए, क्या होगा आज तो धज्जियां उड़ेंगी। फिर खैर वो नाटक वहां पर हुआ एंड उसको एप्रिसिएशन मिला, तो आई थैंक गॉड। और ये उन्होंने कहा था मुझसे कि बिसारिया जी ने वहीं पर, मुझे याद नहीं है, पता नहीं बिसारिया जी को याद नहीं कि गोपाल जो रिदम होती है लाइट की इसको हमेशा याद रखना, यही तुम्हें सक्सेसफुल लाइट डिजाइनर बनाएगी, बाकी तो ठीक है, जब आप ऑपरेट करते हो तो रिदम होती है हर उसमें, तो नाटक में लाइट की भी अपनी रिदम होती है, भले वो एक स्पॉट के रूप में आए, कैसे आप उसको डिम कर रहे हो, कैसे आप इसको फेड आउट कर रहे हो, इसका हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद वही नाटक, उसके पहले हम सूर्य मोहन जी का नाटक था बेगम और बागी, ये लेके हम गए लाहौर, वहां पे वर्ल्ड परफॉर्मिंग थिएटर फेस्टिवल होता है, आर्ट फेस्टिवल होता है, तो वहां पर ये बेगम और बागी हुआ था, तो वहां पर हमने लाहौर के जमीन पर अपना लाइट का इंतजाम सब किया, वहां पर बहुत बढ़िया फेस्टिवल था, अनफॉर्चुनेटली जो हालात हैं वो बंद हो गया, तो सूर्य मोहन जी के साथ वहां पर भी मैं गया था, एंड दैट वाज, और वहां पर विदेशों से लोग आते हैं, विदेशी टीम आती है, दैट वाज इंटरनेशनल फेस्टिवल, तो वो एक सूर्य मोहन जी के उस प्ले के साथ मुझे वो एक्सपीरियंस भी है, वहां मैंने जब तक रहा मैं 2-3 दिन वो मैंने नाटक देखे, उनको देखा, तो मुझे लगा कि जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, तो दैट वाज एक्सपोजर। तो आपको, आप जब काम करते हो तो कभी कभी आपको खुद संतुष्टि होती है, तो मुझे लगता तो यही है कि मैं रास्ते पर तो सही चल रहा हूँ, लेकिन आज भी तृप्ति जी मैं सही बता रहा हूँ, मुझे लगता है अभी लॉट ऑफ थिंग्स टू बी अचीव, एक जो एक माइलस्टोन हमने मैंने नाम लिए ये निकल गए पीछे, लेकिन अभी कहीं कुछ बाकी है जो मुझे अचीव करना है, तो आई एम इन दैट प्रोसेस। एक लाइट का जिक्र और करूंगा जो भी आपने कहा था, जी बिल्कुल, कभी बिल्कुल। कभी जो आपके हाथ में नहीं होते हैं वो ब्लंडर्स हो जाते हैं, और ब्लंडर आपके हाथ में नहीं होते और लगता है कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, मतलब
पब्लिक बैठी हुई है और आपके जमीन निकल रही है, पैर हाथ में नहीं है कुछ भी। नहीं है आपके। हाँ। तो चंद्रा साहब का दया प्रकाश जेना जी का एक प्ले है कथा एक कंस की, जी फेमस प्ले है, बहुत फेमस। चंद्रा साहब ने उसको 75 में लखनऊ में वही हमारी संस्था संकेत में किया था। तो मैं नया नया था, तो मैं बस खाली एक उससे जुड़ा था, एक ऑर्गेनाइज, क्योंकि अपने ग्रुप में था तो देख रहा था चीजों को, समझ रहा था चीजों को। उसके बाद उन्होंने फिर 2000 के आसपास जब आपकी बीएनए की सिल्वर जुबली हुई, उस समय उनसे कहा गया कि वो दया प्रकाश सिन्हा जी का कथा एक कंस करके आप करिए। तो हमारी चंद्रा साहब ने उसको किया और उनकी बड़ी इच्छा थी उसको रिवाइव करने की, तो उसके लिए तैयारी हुई। तो वो लाइट मैंने करी उसकी, क्योंकि बताया ना, फिर तो चंद फिर मुझे लोग कि तुम ही करोगे लाइट, तो कथा एक कंस की फिर मैं उसके लिए जुड़ा। फिर उसका एक शो हमारी जो संस्था है, उस समय तो पुरानी थी संकेत, बाद में मेरी संस्था जो इस समय मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ मंचकृति का, उसके बैनर से हुई। फिर वो भारंगम में भी हुआ कथा एक कंस की जी। उसमें क्या था, म्यूजिक भारंगम में म्यूजिक लाइव रवि नागर जी की, आपने नाम सुना होगा, मिली भी शायद हूँ आप रवि नागर जी से। तो भारंगम का जो अभिमंच है उसमें वो शो होना था। मैं जब पहुंचा वहां पर तो पूरा मॉडर्न सिस्टम है वहां पे लाइट का, आप हम लोग की आदत थी कि वो फिल्टर लगा दो कर दो वहां, इट वाज ऑल कंप्यूटराइज्ड उस जमाने में, ये शायद 2002 के आसपास की बात होगी, 2002 के आसपास की बात होगी। तो वहां पर कंप्यूटराइज था कि ग्रीन लाइट चाहिए तो सब चीजें एनीवे, क्योंकि अब यहां पर मैं चूंकि इंजीनियर था उनका ऑपरेटर था, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा तो लगा देखकर, लेकिन वो सब मेरे लिए चीजें, हाँ ठीक है भाई कर दो। एक मुझे आग बैकग्राउंड में आग लगने का सीन दिखाना था, तो दिन में बात हो रही थी कि हमको वो लाना पड़ेगा, स्ट्रोब लाइट ना पड़ेगी उसका कहाँ से लाओगे, तो चूंकि वो कंप्यूटर था तो उसमें फ्लिकरिंग लाइट का मैंने इस्तेमाल किया, वो सब चीजें हो गई। बट आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी देयर इन NSD कंट्रोल रूम, और उनके सिस्टम को मैं ऑपरेट करने जा रहा था, अभिमंच का लाइट का कंट्रोल रूम और भारंगम का मौका। तो वो मेरे अंदर एक बड़ा एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि हम यहाँ तक पहुंचे और मुझे अभिमंच का कंट्रोल रूम मुझको मिल रहा है लाइट करने के लिए। जी, जी, जी। तो नाटक की शुरुआत होती है एक विजय बनर्जी, आप शायद जानती होंगी जी, बहुत बढ़िया, हाँ हमारी काफी में कई बार आए हैं। हाँ वो कंस का रोल कर रहे थे जी। होती है कि चंद्रा साहब का सेट था बहुत बिल्कुल भव्य, एक बुर्ज था उसपे वो ओपनिंग सीन ये होनी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो जुड़ा है मेरे लाइट के उससे। जी जी बिल्कुल। रवि नागर अलाप लेंगे, अलाप का फेड आउट होगा और जैसे ही फेड आउट होगा मेरी लाइट की फेड इन स्पॉट पे होगी और विजय बनर्जी पीठ लिए उसी बुर्ज पर खड़े पीछे की तरफ बैक स्टेज देख रहे हैं, और अचानक वैसे जैसे अलाप फेड आउट होगा फेड इन होगी, इतने में बांसुरी की आवाज बजेगी और बांसुरी की आवाज कंस के लिए तो खतरा है, वो व्याकुल होता है, ये फिर वही बांसुरी की आवाज, मतलब ये मुझे जीने नहीं देगी ये कर, ये सीन था स्टार्टिंग जी। तो हम लोग क्यों हो गए, रवि नागर के साथ रिहर्सल हो गई कि जब उनका फेड आउट होगा मेरी लाइट हल्की से आएगी वैसे ही बांसुरी की बजेगी और कुछ देर तक उस पूरा टाइट स्पॉट है और उसपे विजय बनर्जी जब थोड़ा सा देखेंगे अरे फिर बांसे तो पलटेंगे इसी स्पॉट में, हल्की सी लाइट बढ़ेगी और जब आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं थोड़ी लाइट ऐड करूंगा, तो थोड़ा ड्रामेटिक, मतलब वो ओपनिंग जो आप जानते हैं अगर आपने ओपनिंग मार ली तो फिर वो पूरा चीज हो गई। बिल्कुल। कंट्रोल रूम पहुंच गए, नाटक की शुरुआत, रवि नागर का जो भी शुरुआत म्यूजिक थी उनकी वो अलाप शुरू हुई, दैट वॉज अ सिग्नल फॉर मी कि नाउ आई शुड बी रेडी। अलाप उनकी फेड आउट हो रही है, मैं डिमर चला रहा हूं, नो लाइट, अरे बढ़ा दिया नो लाइट। हाँ। अब रवि नागर ने देखा लाइट नहीं आई, अलाप फेड आउट होते होते उन्होंने फिर अपनी अलाप तेज कर दी। हाँ। अच्छा मैं विंडो पे था खड़ा हुआ। हाँ। और जो म्यूजिक वाले थे वो स्टेज के आगे बैठे थे। अच्छा। तो रवि नागर की पोजीशन ऐसी थी कुछ कि वो मुझे भी देख समझ रहे थे दूर से। हाँ। कि कुछ गोपाल जी को उछल फांद कर रहे हैं। और मैं देखा मैंने वहां पे कोई नहीं, मैं क्या करूं, मैंने देखा लाइट सब जल रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मैंने उसको कुछ किया तो कहीं कोई लाइट ही नहीं जल रही है, मैंने कहा देखे चलो
जो एरिया उसको जला दूं, वो एरिया भी नहीं जला, क्या करूं, और सब चीजें सेकंड्स में हो रही हैं। मैं उतर के भागा, मैंने कहा कोई है कोई है, इत्तेफाक से वो जो वहां का इंचार्ज था वो बारी, क्या हुआ? मैंने कहा यार प्लेस लाइट नहीं जल रही है। कहें लाइट नहीं जला, अरे अरे सर अब तो आपके सामने सेट किया, तो मैंने आओ तो अब सोचिए कितना टाइम। अब रवि नागर अलाप, वो उनकी अलाप चलती चली जा रही है, प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अगर वो अलाप करके कहीं बांसुरी बज जाती तो सोच लीजिए पूरा प्ले किल हो जाता। लेकिन ये सबने अपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और वो लग रहा था कोई मामला गड़बड़ हो गया। चंद्रा साहब समझ के नहीं, गोपाल पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अलाप हो रहा है और ये लाइट ही नहीं आ रही है, वो अलग बेचारे बेचैन फ्रंट कुर्सी बैठे हुए जी। तो इतने में क्या हुआ कि रवि नागर ने बहुत बढ़िया अलापें ली उस बीच में। उसने कहा लाइट वाले ने जो इनका, अरे सर ये तो एमसीबी डाउन है। तो मैंने कहा यार मैं क्या बताऊं, क्या ऑन करो। तो मैंने कहा रुको रुको यार, मैंने डिमर को नीचे किया तो उसको जैसे ही उसने उसको ऑन किया तो जो मुझे नहीं पता था अचानक डिमर में एक जगह पर लाइट आ गई, क्योंकि पता नहीं कब हुई वो, तो मुझे लगा, मैंने कहा तो मैंने अंदाज से अंधेरे में यूं किया, मतलब मैंने कहा देख लेगा रवि नागर अगर, तो मैंने यूं किया यूं करके। तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने गिनती गिरी मन में, माँ सरस्वती को याद किया, वो उसने धीरे 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 लाइट को अपने अलाप को फेड आउट किया और मैंने इधर से जो लाइट दी वैसे ही फिर बांसुरी की आवाज आई। विजय बनर्जी बाद में बोले कि गोपाल जी मैंने कहा किस समय का बदला ले रहे हैं, मैं कब तक ऐसे खड़ा रहूंगा, और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था कि जैसे बांसुरी की आवाज बजेगी चेहरे पे एक्सप्रेशन देके वो कहेंगे ना ये फिर वही बांसुरी की आवाज, ये वो जो अब कितनी देर तक वो अपने अंदर जो एक एक्सरसाइज करता है एक्टर, कब तक करते रहेंगे। और रवि नागर कह रहे थे कि मैं गोपाल जी कब तक अलाप करता रहूंगा, मैं ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, अरे आप पूरी लाइट दीजिए। लेकिन लकीली और फिर तो वो जो फिर प्ले जो आगे बढ़ा है तो फिर खैर वो फिर जो भी चीजें थी, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइट के साथ, मतलब नॉट इन माई कंट्रोल। ऐसे एक और संस्मरण है जी, जो मैंने नाटक बताया हमारे समय में तुम का जी, यही नाटक था, थपलियाल जी को वर्कशॉप के लिए बुलाया गया श्रीनगर यूनिवर्सिटी में जी, जो गढ़वाल में है, श्रीनगर यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, जो अपने उत्तराखंड में जो गढ़वाल है वहां पे श्रीनगर, तो श्रीनगर में गढ़वाल यूनिवर्सिटी में थपलियाल जी को वर्कशॉप के लिए बुलाया गया। ये भी बात मेरे ख्याल से 2008-09 के आसपास की होगी या 2010 की, तभी की बात है। तो वहां से थपलियाल जी का मैसेज आया कि गोपाल जी इस तारीख को मेरा वर्कशॉप खत्म हो रही है और मैं चाहता हूं कि, मुझे लग रहा है और यहाँ की फैकल्टी जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं उन लोगों ने कहा है कि जो नाटक के और भी एलिमेंट्स होते हैं प्रस्तुति के, लाइट है या कुछ और चीजें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि पीयूष पांडे को मैंने बुला लिया है फिजिकल उसके लिए, आप लाइट के लिए आ जाइए और मेरे नाटक जो यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ दो लड़के आप तैयार कर दीजिएगा और आप डिजाइनिंग कर दीजिए जो आपने करी है, जो भारंगा में की थी वो सब करी थी, तो वो हम चाहते हैं वो आइए और लोगों को बताइए कि कैसे डिजाइनिंग क्या होती है। तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया गया बात तो कुछ छुट्टियां वुट्टियां पड़ रही थी, तो मैं 6-7 दिन से चला गया वहां। मैंने बाकायदा डेली जो बच्चों के साथ क्लास होती थी लाइट, वहां पे लाइट बहुत सारी थी, उनको उतरवा के इसमें ये होता है ये लैम्प करके कहते, और प्रोडक्शन की तैयारी भी। तो लड़के ये बोले कि सर ऑपरेशन में तो गड़बड़ी कर जाएंगे, आप हम आपके साथ रहेंगे, और आप थपलियाल जी भी चाहते थे कि चूंकि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं देखने तो ऑपरेशन तो कायदे से हो, बाकी आप देख लीजिए जहां भी चाहिएगा। तो मैं वहां लाइट पर, अब देखिए वीसी बैठे सब बैठे, नाटक शुरू होने वाला है और वो लड़का मेरे गणेश, मुझे अभी तक याद है गणेश नाम था उसका, मेरे बगल में खड़ा है और सब हुआ, नाटक शुरू हो गया। उस नाटक में था ना बड़े टिपिकल खेल है, तो उसमें एक कोई आर्मी ऑफिसर कौन सा क्या होता है वो डांटता हुआ आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ता है तो वहां पर आके आगे जब बढ़ता है आगे तो वहां पर लाइट का एक स्पॉट आना था और वो चेंज ओवर था उस चीज का, वहां पर भी वही हुआ, जैसे वो मैंने जैसे वो बढ़ा आगे मैंने फ्रंट की लाइट दी, लाइट गायब, और फिर उसको स्पॉट में उसकी सोलोलिकी थी अच्छा गायब। अब वो लड़का तो बढ़ गया आगे, अचानक मैंने हाथ, तो एक दो लाइट और नहीं जली, अचानक मैंने एक लाइट पकड़ में आई लेफ्ट साइड की, वो मैंने उसको एरिया में कर दिया। ओके। तो उस लड़के ने बोलना शुरू कर दिया,
उसके बाद एक और कोई सीन आया था, अभी तक मैंने नोटिस नहीं किया क्या गड़बड़ी हुई। एक कोई और सीन आया उसके बाद ही वो लाइट नहीं हुई। तब मैंने कहा, मैंने कहा यार देखो ये लाइट कुछ गड़बड़ कर रही है यार, हम जहां चाहते हैं वहां लाइट नहीं आ रही। तो वो दौड़ के गया, लड़के को बुला के लाया, उसने कहा कि अरे लगता है फिर वही हुआ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? अरे कहने साहब एक फेज बड़ा गड़बड़ करता है, वो नीचे में जाके देखता हूँ। दौड़ता हुआ गया, पता लगा एक फेज उसका जो फ्यूज वायर है वो अक्सर उड़ जाता था, क्योंकि वहां की लाइट हॉल में इस्तेमाल तो होती नहीं थी, कभी कभी लोड पड़ता था तो कभी कभी वो जो है। तो बोला चिंता ना आप साहब करिए, आप चिंता ना करिए, मैंने मोटा फ्यूज तार बांध दिया है। इस बीच में मैं अपना जो इनोवेशंस करता रहा, जो मुझे लाइट मिलती रही मैं करता रहा, लेकिन लकीली वो कुछ कहते हैं ना कि अच्छा हो रहा था, मतलब जो मैं लाइट ऐड कर रहा था वो प्रोडक्शन में कुछ नया खेल कर रही थी जी। तो ये खत्म हो गया तो मैं तो अंदर से दुखी था कि बदकिस्मती थी है। थपलियाल जी हमने गले लगा लिया, कहने गोपाल जी आप बाज नहीं आते हैं एक्सपेरिमेंट से, और आज आपने जो खेल कर दिया ये आपने पहले क्यों नहीं किया? मैंने क्यों? कहने गोपाल जी कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा था, और मैं आपको मन मन, अरे मैंने कहा थपलियाल जी मेरे दिल से पूछिए, मेरा तो दिल बैठने वाला था, वो वहां पे एक फेज उड़ गया था, वो फेज मुझे नहीं मिल रहा था तो मैं जानबूझ के दूसरी लाइट कवर कर रहा था। कहने ये तो बस, और वीसी करे गोपाल सिन्हा जी मुझे आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई, इस तरह के नाटक मैंने नाटक दिल्ली में देखे हैं, लेकिन क्या आपकी लाइट्स थी, वाह। मैंने कहा और देन ही आस्क्ड मी कि आप आके मेरे पूरे यहाँ का जो गड़बड़ हो रहा है, मतलब पुराना ऑडिटोरियम हो गया है, इसको मैं चाहता हूँ चेंज कर दूं, तो आप मेरे कंसल्टेंट बन के आइए हॉल के लिए और ये वरिये। मैंने कहा भगवान मेरा वो मेरा उस समय हार्ट कितना बीट कर रहा था, पता नहीं कब हार्ट मेरा रुक जाता, और ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो कभी कभी घटना दुर्घटनाएं ये सब होती हैं। तो ये 3-4 संस्मरण थे, मैंने कहा कि मैं शेयर करूं। दुर्घटनाएं भी होती हैं जो आपके मन को बड़ा प्रभावित कर जाती हैं। दर्पण का प्ले था वही थपलियाल जी के निर्देशन में, खूबसूरत बहू। अच्छा। करीमगंज में हो रहा था, कोई फेस्टिवल हो रहा था वहां पर करीमगंज में, बिल्कुल बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे था। वहां पे कोई हैंगर टाइप की कोई जगह थी, उसमें उन्होंने टेम्परेरी बना रखा था, और लाइट को उन्होंने शायद कलकत्ता वलकत्ता से कोई पूरा लाइट वाला पूरा झामा लेके आया था। तो हम लोग पहुंचे तो जब मैं उसकी लाइट भी मैं ही करता हूँ, थपलियाल जी वगैरह ये लोग नहीं गए थे, डॉक्टर स्तोगी भी नहीं गए थे, लेकिन पूरी टीम गई थी और मैं एज ए लाइट का मैं गया था। तो जब पहुंचा तो बड़ी पुरानी टाइप की लाइटें लगी, जंग खाई लाइटें लगी हुई है। अच्छा। रियोस्टेट होते हैं डिमर की जगह, वो जो आपने देखे हों कभी, वो रियोस्टेट जो लैब्स में होते हैं फिजिक्स लैब में, उनको खिसकाओ रॉड पे खिसकते हैं, वो भी अजीब से सड़े गिल्ले टाइप के हिल रहे हैं, चल रहे हैं, इस तरह के डिमर घुमाने वाले, बड़ा पुराना ऑब्सोलीट टाइप का। खैर अब सिस्टम है तो है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने लाइट्स सब सेट कर दी, नाटक शुरू होने वाला था, पर्दा गिरता, ऑडियंस आ चुकी थी, बस ये था कि पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल का चक्कर चल रहा था। मैंने कहा यार एक बार, चूंकि सिस्टम बड़ा पुराना था, मैंने कहा लाओ मैं एक बार स्टेज पे, मैंने लाओ मैं एक बार लाइट को, सारे स्पॉट्स को, चीजों को देख लेता हूं। तो मैंने शुरू किया लाइट जलाना एक, तो मैंने देखा कि जो मेन लड़का रोल कर रहा था, मैले दत्ता है उसमें, वो मेन रोल करते हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी रहे हैं, आजकल थोड़ा वो एक्टिव ज्यादा नहीं रह गए हैं, उस समय बहुत अच्छा, और दर्पण संस्था की बात थी, वो मुझे दिखाई पड़े कि निकलते हुए, तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अचानक मैंने एक लाइट को ऑन किया तो देखा, मैंने वो लाइट जली और खड़ा की आवाज हुई और एक चीख निकली, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो अचानक जो हमारे साथ में लाइट वाले भी खड़े थे, तो उन्होंने अचानक वो जनरल टाइप की लाइट जलाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखा तो एक जो ऊपर लाइट टंगी थी वो उसका आगे का जो जिसमें फिल्टर विल्टर लगाते हैं, आगे का जो एक अटैचमेंट होता है वो, और उसका मतलब लेंस, पता नहीं कैसे वो आगे का हिस्सा जो है लेंस सहित, वो पूरा नीचे गिर गया। और मलय जो है वो अपनी रिहर्सल कर रहे थे लाइंस की, चांस की बात है, चांस की बात कि जहां पर वो गिरा वहीं पर मलय निकले, तो जो चीज गिरी तो चीख निकली थी, तो वो
बगल में चीज गिरती है ना, तो गिर के वो चीख निकली उसकी, ओ बच तो बच गया, वो बच गया जी जी। तो अब वो लाइट गिर गई, तो फिर खैर वो जल्दी जल्दी, वो एक स्पॉट था वो, फिर खैर जल्दी जल्दी वो दूसरी लाइट को वहां पर किया गया, टांगा गया। लेकिन कहते ना वो आपके एक एक अनहोनी हो जाती है, और वो मेन एक्टर सर पे गिरती उसके लाइट क्या था। तो फिर मैंने कहा वहाँ के जो जोनल सेंटर था, जो उनके अधिकारी थे, मैंने कहा भाई जिसको आप लोग बुलाएं कम से कम ये देख लें, शक्ल से लग रही है, नीचे से लग रही है लाइटें, जंग खाई लाइटें, तो आप ये देखो ना। और ये मैंने कहा ये सब तो पता नहीं कब मेरा अगर हाथ कहीं दाएं बाएं पड़ जाए, ये जो घुमाने का है, हम लोग इंजीनियर हैं, साइंस में रह चुके हैं, ये सब काम किया है, लेकिन वो सब लोग इंसुलेटेड होते हैं। अब डंडा हिल रहा है, मेरा कहीं लाइव, और उसमें कई तार नेकेट थे जो जुड़े हुए थे ऐसे, मैंने कहा यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, वो हुआ एक। उसके बाद एक बार क्या बात है, यहीं आपके बीएम शाह ऑडिटोरियम में पंजाब नेशनल बैंक का एक कॉम्पिटिशन चल रहा था। अच्छा। उन्होंने मुझे लाइट के लिए बुलाया था, और एक महाभारत के एक सीन पर कोई उसके सीन का इनेक्ट होना था, और लखनऊ की जो टीम थी वो, और देट वाज कॉम्पिटिटिव, और उसमें आपको 15 मिनट या 20 मिनट मिलते हैं दूसरे नाट प्रस्तुति के लिए। तो खैर वो कर करा के हम, और ये था कि वहां से एक सीटी बचती थी, सीटी थे कोई इंडिकेशन था ताकि अब हम नाटक शुरू करने जा रहे हैं, अब आप नाटक शुरू करिए। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आध घंटा हो गया, अचानक मतलब इसके पहले अचानक बड़ी जोर से आवाज तो आई, बहुत देर, बहुत तेज आवाज आई, कोई चीज गिरी, कोई कट। मैंने कहा कि स्टेज पर कुछ चीज ये लोग रख रहे होंगे, क्योंकि उसमें वो पहिया भी था और कुछ धनुष बाण, कुछ महाभारत का सीन था, कुछ प्रॉपर्टी गिरी, कुछ हाँ कुछ होगा, गिरी होगी। काफी देर हो गया, कोई कोई शुरुआती ना हो कुछ। तो फिर मैंने किसी से कहा, मैंने कहा भाई देख के आइए, वही उनके पंजाब कोई आदमी था, वो गए लॉर्ड, अरे कह लेंगे सर वो ऊपर से लाइट का लेंस जो है वो गिर गया, और नीचे एक आर्टिस्ट के यहाँ पे गिरा। गनीमत थी कि वो मतलब जो लेंस गिरा होगा वो यूं नहीं गिरा, मतलब उसका जो साइड होती नहीं गिरी, वो यूं गिरा और गिर के, और छितर हाँ वो गिर के टूट गया, तो धचका तो लगा उनके, और वो अपनी पोजीशन पर खड़े थे क्योंकि नाटक शुरू होने जा रहा था। और वो, और इत्तेफाक से मैंने कोई लाइट ऑपरेट नहीं करी थी तब तक, और वो गिरा, जब गिरा तो वो निचली वहां पे, अब वो उसको संभाले, पीछे लाइट जलाई वलाई की देखा गया, तो गनीमत एक वहां पर एक नील पड़ गया था, लेकिन गनीमत है कुछ नहीं हुआ था, वो नहीं पास आया। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि भाई कॉम्पिटिशन नाटक कि मैं दौड़ के जाके देखूं समझूं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो लाइट टूट गई है, देयर इज नो टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, आप चेंज मत करिए, इसके बिना ही काम चलाइए। तो फिर उस लाइट, वो भी एक स्पॉट लाइट थी, तो काम चलाया उसका। बट ये दुर्घटनाएं इस तरह की हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात और आपको बता दूं, प्रयाग जी का यही प्ले था खूबसूरत बहू, ईस्टर्न यूपी में कौन सी, सिद्धार्थ नगर कोई जगह है शायद, मेरे ख्याल से वही जगह थी, वहां के कोई कोई मेला चल रहा था, उस मेले में खूबसूरत बहू होना था, मेरे पास आया थपलियाल जी का, गोपाल जी एक लाइट का बना दीजिए पूरा खाका, क्या चाहिए कैसे चाहिए, वो उन्होंने भिजवा दिया ताकि वहां पर ऑर्गेनाइजर उसको कर लें। हम लोग सब दल बल सहित पहुंचे, तो भाई हुआ चलो भाई देखा जाए लाइट का। तो हम लोग जब पहुंचे पंडाल में, तो पता लगा वहां पे तो किसानों की एक मीट चल रही है, पार्ट ऑफ द मेला, और किसान लोग बैठे हैं मंच के ऊपर, मार हजारों की भीड़, नो दिन का टाइम तो लाइट सेट नहीं हो सकती। मैंने ऊपर नीचे देखा कहीं कोई लाइट नजर नहीं आ रही, मैंने कहा भाई स्टेज लाइट कहाँ है, स्टेज लाइट क्या होती है, अरे मैंने कहा भाई वो पीसी होती है, नहीं तो हैलोजन दो, ये करो वो करो, कहाँ है लाइट है। कहने साहब यही तो क्या, जो बड़े वो जो देखे ना आपने, जो हैलोजन लाइट लगती है शादी ब्याह में चौकोर टाइप की रेक्नर, वो सब लगी हुई है। मैंने कहा यार ये कहाँ, कहने साहब यही लाइट है, हमें तो पता नहीं। तो फिर थपलियाल जी ने, फिर हम लोगों ने बात करी जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर थे, तो बोले साहब किसी ने, हमने कहा अरे भाई आपको भेजा है, तो थपलियाल जी ने कहा कि भाई हमारा जो ट्रुप लीडर है उसने तुम लोगों को ये दिया है, कैसे नहीं दिया है। तो खैर फिर वो बात हुई, तो फिर हुआ थपलियाल जी ने कहा भाई, तो मैंने कहा कैसे होगा, बोले नाटक हो नहीं सकता, क्योंकि खूबसूरत बहू में लाइट का बड़ा खेल है, वो बहू आती है तो खाली उसके पैर दिखाई पड़ते हैं, फिर कई जगह लाइट का खेल है, कलर लाइट चाहिए, जो लाइट जाती आती है मतलब, और थपलियाल जी की प्ले आप जानती हैं कि उसमें बड़े हर चीज जो भी करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। तो फिर इतना मामला हुआ कि साहब एडीएम आए कि साहब कैसे क्या होगा, थपलियाल जी के रेपुटेशन नाटक नहीं होगा, बोले फिर साहब पता लगा कि वो
अरे नहीं साहब ऐसा मत करिए। तो बड़ी मुश्किल से पता नहीं कहाँ से 40 किलोमीटर दूर से 2 घंटे में इतने बड़ी बड़ी 2 पुरानी PC आई। हाँ। और एक वो आया डिमर गोल्ड वाला डिमर, यही है साहब, उससे क्या काम होना है? तो थपलियाल जी बोले गोपाल जी अब ऐसा करिए जनरल लाइट में कर दिए जो भी करना है। अब पहले शाम हो अंधेरा हो, नाटक तो होना था 8 बजे, खैर फिर वो 6 बजे करीब फिर मैंने लाइट वाले का यार ऐसा है लाइट वाले तो मुझे पहले वो मुझे तो स्विचेस ला स्विच तो दे देगा। तो बोले साहब मैं एक्सटेंशन, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे दो भाई। तो उससे मैंने जो उन फ्लड जो नीचे हैलोजन रखे उनको लिया, उन दो लाइटों को जहाँ इंपॉर्टेंट थी पीसी को उनके साथ मैंने उसको लिया और वो डिमर पे मैंने एक स्विच के माध्यम से उसको लेके डिमर पे किया। अब जो बाकी लाइट करनी थी क्या करूं, कलर लाइट चाहिए थी तो मैंने ग्लास के टुकड़े लिए जो लाओ तो उसको मैंने मैंने कहा चलो ये सब मंगवाया, एक रेड पुतवाया ग्रीन पुतवाया या वो फिल्टर थे उनको लगा लगा के एक दो लोगों के लाइट वो लिया। मैंने कहा यार जब मैं कहूंगा रेड तो ये आगे जो जमीन पे तुम्हारे हेलोजन रखे हैं इनके आगे तुम पकड़ के खड़े हो जाना क्योंकि लगा दोगे कागज जल जाएगा तो तुम ये काम करना। तो वो 3-4 है मैंने इस तरह से और क्या था डिमर था नहीं और फिट आउट होना है तो मैं क्या करता था डिमर की जगह वो स्विच खट खट लाइट खट सब लाइट बंद हो गई खट लाइट ऑन हो गई है ना और वो जो नीचे फ्लड लगे थे उसके आगे वो मुझे कह रहा है सर सर क्या करना है। मैंने चुपचाप खड़े रहो क्योंकि रेड और ग्रीन और ब्लू का तो कम इस्तेमाल होना था लेकिन वो बच्चे इतने एक्साइटमेंट में थे कि सर बताएं तो मैं आगे राइट लगाऊं। तो खैर किसी तरीके से इस तरीके से वो वहां पर भी मुझको तो मैं उसको कभी कभी याद करता हूँ तो डिमर की जगह मैं कहता हूँ तुमने भाई वो डिमर की तो है नहीं चलो कोई बात नहीं वो खटखट तो है वैसे ही उससे ऑन ऑफ फिट आउट फिट इन नहीं होगा खटखट हो जाएगा यानी लाइट गई लाइट आ गई। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं मुझे इम्प्रोवाइज करनी पड़ी साइट पर। आप इतना अच्छा बता रहे हैं तो मुझे लगा कि ये भी पता कर लेना चाहिए ताकि जो लाइट के क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको जानकारी मिले कि एक ऑडिटोरियम में कौन कौन सी लाइट्स होना जरूरी है, एक नाटक के लिए किन किन लाइटों का क्या महत्व होता है, ये फिल्टर पेपर का क्या काम होता है, कौन सी लाइट किस काम आती है, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल हमें बताएं। देखिए ऐसा है कि जो कायदे से देखा जाए स्टेज लाइट्स वो तो होती है पीसी बोलते हैं उसको जी प्लेनो कॉन्वेक्स और प्रोफाइल होती है प्रोफाइल और पीसी। प्रोफाइल में क्या होता है कि उसमें आप ज्यादातर एक लिमिटेड एरिया के लिए स्पॉट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी में आप ऐसा है कि उसको आप स्पॉट भी कर सकते हैं और आप एक जनरल भी बना सकते हैं। फिर होता है एक फ्रिजनल, ये सब जो लाइटें हैं ये लेंस के हिसाब से आते हैं। फ्रिजनल लेंस होता है उसमें जो होता है वो लाइट फैल जाती है तो उसको आप एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एक लाइट आती थी बेबी वो छोटी होती थी और इनका जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग वॉटेज से बोलते हैं कि 1000 वॉट की लाइट है 500 वॉट की लाइट है वो वॉटेज होता है यानी कि वो उसकी पावर जो बोलते हैं। लेकिन हम अगर थिएटर की भाषा में बात करें तो उससे ये होता है कि इसकी 1000 वॉट मतलब कि उसमें 1000 वॉट है मतलब उतनी पावर वो कंज्यूम कर रही है। तो नेचुरली उसकी लाइट 2000 होगा तो वो थोड़ा ज्यादा वोल्टेज है तो ज्यादा लाइट आपको। तो अगर आपका बहुत दूर है लाइट तो वहां पे जनरली हम लोग 2000 वाट जैसे मान लीजिए आप का बहुत दूर से आ रही है जैसे मान लीजिए अगर आप संगाड़गे में हैं और आप बालकनी से लाइट दे रहे हैं तो 1000 की भी आएगी लेकिन 2000 की लाइट अगर हो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो ज्यादा पावर की ज्यादा इंटेंसिटी के साथ आपको मिलेगी। ऐसे ही आपकी लाइट आती है आजकल बड़े कॉमन है पार लाइट, उसमें क्या लेंस नहीं होता उसकी जो रिफ्लेक्टर होता है वो ही लाइट को आगे प्रोजेक्ट करने का काम करता है, उसमें लेंस नहीं होता है। उसका जो होता है वो पैराबोलिक होता है, उसकी जो लाइट आपने देखा हो लंबे टाइप की होती है उसमें रिफ्लेक्टर होता है तो उससे जो बल्ब लगा होता है वो उसको लाइट को करता है। लेकिन क्या होता है कि जो पार लाइट में वो लाइट चूंकि रिफ्लेक्ट वाली लाइट है तो वो उससे वो लाइट जो है वो फ्लैट कर देती है। पीसी में लेंस के लेंस से लाइट निकलती है तो वो एक कंसंट्रेशन करती है लाइट का, आप उसकी इंटेंसिटी को आराम से जब भी करेंगे तो टेक्सचर आपका जो चेहरे का जो टेक्सचर है वो उस लेंस के कंट्रोल लाइट से पता लगता है। जबकि पार में चूंकि वो रिफ्लेक्टर है और उसमें आजकल तो बीम भी हैलोजन बीम इस्तेमाल करने लगे हैं लोग तो फिर वो बात आती नहीं है, आपको लाइट मिलेगी लेकिन जो कहते हैं ना स्टेज का जो एक
एक्टिंग में जो टेक्सचर चाहिए हमको एक्सप्रेशंस का, एक जो एक हमको इफेक्ट चाहिए, वो हमको मिलेगा पीसी में, प्रोफाइल में, फ्रिज्म में, इस तरह की लाइट्स में। लेकिन अब आजकल पार लाइट बहुत इस्तेमाल हो रही है, तो अगर पार लाइट इस्तेमाल हो रही है तो फिर दोनों की इंटेंसिटी मैच नहीं करती है। तो ये अब लाइट डिजाइनर का काम है कि अगर उसको वहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम स्पॉट की जगह हम पीसी या प्रोफाइल इस्तेमाल कर लें, एरिया में हम फ्रिजल इस्तेमाल कर लें, नहीं तो पार अगर है तो हम पार इस्तेमाल कर लें। तो ये लाइटें आजकल इतनी, लेकिन अब आ गई हैं इंटेलिजेंट लाइट्स, जैसे मैंने कहा कि अब कंप्यूटराइज लाइट आ गई हैं, वो जो मेरी जनरेशन है उससे हम बहुत आगे चले गए हैं। उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो एंगल है, पहले तो ये होता था कि ऊपर आप जाइए चढ़ाइए किसी को तो कैटवॉक बनी होती है हॉल्स में, या सीढ़ी लगाइए उनका एंगल चेंज करने के लिए। अब तो ये लाइट आ गई, आप उनको बटन दबाइए वो उतना ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो वो सब इंटेलिजेंट लाइट्स, हर तरह का इंटेलिजेंस है, आप उनकी इंटेंसिटी को, उनके कलर को, उनके एंगल को, उनके किसी भी चीज को आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के माध्यम से आप उनको सेट कर सकते हैं। अब डिमर की बात आई है जो इनको कंट्रोल करता है, मैं फिल्टर पे भी आता हूँ। डिमर जो होता है उसका काम क्या होता है कि लाइट की इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जी आपको, और लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल डिपेंड करती है प्ले का क्या मूड है। हम प्ले को कहते हैं ना जनरल लाइट, अगर पूरा जनरल सीन चल रहा है तो उसमें जनरल लाइट, सब लाइट पूरी ऑन रहेगी, लेकिन कभी कभी इमोशंस आते हैं, कभी कभी आपको किसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और कभी कभी इफेक्ट देने के लिए इंटेंसिटी को बढ़ाना घटाना पड़ता है। तो इंटेंसिटी जो है वो, या एरिया जो है किस एरिया में लाइट देनी है, वो डिपेंड करेगा लाइट की रिक्वायरमेंट, उस स्टेज की कहानी, उस स्टेज में जो पर्टिकुलर सीन चल रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लाइट से एरियाज को सेग्रीगेट कर सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी से आपके मूड को, और आपका जो इफेक्ट हमको कम्युनिकेट करना है ऑडियंस को, उस इफेक्ट को भी हम इंटेंसिटी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा माध्यम होता है। अब इसी में जुड़ा होता है, ये तो अब डिमर से यही काम होता है डिमर का। पहले डिमर आते थे जो आपके बीएम शाह में लगे हुए हैं, उसमें वो हैंडल वाले देखे आपने वहां पर, अगर आप वह हैंडल है प्लस वो घुमाने, अब आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिमर। इलेक्ट्रॉनिक डिमर में क्या होता है, दे आर सॉफ्ट, उनका एक कंट्रोल रूम में ही एक इक्विपमेंट लगे होते हैं, मैं उसका टेक्निकल नाम नहीं ले रहा हूं, जिनके माध्यम से वो लाइट से जुड़े होते हैं। तो आप जब उनको करते हो बहुत, हाँ उनको बहुत ही आप सॉफ्टली अगर आप मूव करेंगे तो वो ऑपरेट होते हैं, दे आर बेटर देन जो आपके घुमाने वाले रोटेटरी होते हैं और ये आपके हैंडल होते हैं। उसमें क्या होता है, जो इक्विपमेंट है ये, इनकी मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं हुई तो क्या होता है, फिर जगह छोड़ते हैं, फिर वो स्पार्किंग होती है, वो फिर लाइट आपकी फिकर करती है। फिकर हमारी लाइट ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिमर हैं इनमें भी करती है, अगर जरा भी कॉन्टेक्ट आपका लूज हो गया तो फिर, अगर फ्लिकर हो गई लाइट तो आप कितना भी कहें कि साहब मेरा दोष नहीं है, लेकिन ऑडियंस को थोड़ा खटकता है ये चीजें। अब आई बात फिल्टर की, कलर की, तो ये जो कलर की इम्पोर्टेंस बहुत होती है, हम लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि कोई होता है अक्सर कहते हैं इसमें कलर डाल देते हैं। मुझे लगता है, और जो मुझे लगता है जितने भी थिएटर के लोग होंगे वो सब, कलर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। रेड कलर हमें कब इस्तेमाल करना है, ब्लू हमें कब इस्तेमाल करना है, ग्रीन हमें कब इस्तेमाल करना है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, और आता है अम्बर जो ऑरेंज कलर का होता है वो हमें कब इस्तेमाल करना है, प्लेन लाइट हमें कब चाहिए, हमें उस कलर में भी कितना इंटेंसिटी है, एक वायलेट कलर आता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि ऑफ कोर्स विद द एडवाइस एंड विद द कहा जाए कि इन कंसल्टेशन विद द डायरेक्टर, जो मूड है एक्टर का, जो मूड है सीन का, उसका जो इम्पैक्ट होना है उसके हिसाब से कलर को इस्तेमाल करना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि हम ग्लैमर लाने के लिए कलर का इस्तेमाल कर दें। कलर अगर इस्तेमाल गलत हो गया तो हो सकता है आपको लगे अरे मैंने क्या इसमें लाल नीला पीला डाल दिया और बड़ा अच्छा इफेक्ट जाएगा। डांस में भी कलर का अगर इस्तेमाल प्रॉपर हो जाए तो डांस में भी, मैंने कई प्रोग्राम्स में किया है, मैंने देखा है, उसमें भी बड़ा कमाल करते हैं कलर। आप रंग बिरंगा कर दीजिए तो अच्छा लगेगा डांस में, लेकिन अगर आपने टाइम से, अगर कोई वो थीम बेस्ड डांस है, कोई ऐसा उसमें परफॉर्मेंस हो रही है, तो अगर आप कलर का इस्तेमाल प्रॉपर करेंगे तो उसके नतीजे कुछ और आते हैं और वो सही चीज को कन्वे करता है। रौद्र रूप है, आपको कहीं पर कोई मर्डर का सीन है
कहीं पर आपको दूर दिखाना है, कोई भयावह स्थिति दिखानी है, तो ये डिपेंड करता है। मैं कलर के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये डिपेंड कर सकता है कि हर डिजाइनर पे, हर कंसेप्ट में, कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कलर, कितनी इंटेंसिटी के साथ आप कहाँ इस्तेमाल करोगे। लेकिन इंटेंसिटी लाइट की और ये कलर जो फिल्टर्स होते हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कितना इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है, ये नाटक की सीन की, उस आर्टिस्ट का जो पोर्ट्रेयल है उसके हिसाब से डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि ये वही एलिमेंट्स हैं लाइट के जो चीजों को कम्युनिकेट करेंगे ऑडियंस के साथ और प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो भी लोग बच्चे आ रहे हैं तो उनको जो हार्डवेयर है हमारा लाइट है उनको समझें कि कौन सी लाइट अवेलेबल है, अगर मॉडर्न लाइट है तो उनका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल लाइट आ गई है एलईडी लाइट्स जी, वो आपके इनमें सब ये प्रोफाइल कौन सी है, साहब ये एलईडी प्रोफाइल है, उसका ऑपरेशन बड़ा समझ के करना है क्योंकि एलईडी की अपनी लिमिटेशन होती है, उसका जो ग्लो करती रहती है, तो जो सब चीजें ऐसी हैं लाइट एलईडी लाइट का भी। अब मैं तो जो अवेलेबल होती है तो मैं अब कलर का इस्तेमाल मैं एलईडी से करता हूँ, अगर मुझे एरिया करना कुछ करना है। हाँ, अगर कोई स्पॉट करना है तब तो एलईडी काम नहीं आएगी, तब तो मैं फिल्टर का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर जनरल है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं जो मैंने ये प्रकाश पुंज किया था विवेकानंद जी के लाइफ के ऊपर, इसमें दिखाते हैं कि विवेकानंद जी बड़े परेशान से घूम रहे हैं, वो पूरे देश में इधर से उधर गए हैं और एक उपवन में टहल रहे थे वो, और वहां पर उनको अचानक लगा मुझे संन्यास लेना है तो मुझे दूर होना है इस माया मोह से, तो वो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तो एक उपवन का उसमें सीन आता है कि उपवन में है, उपवन में मैंने पूरे बैक स्टेज के बैक में वो पूरा पेड़ पौधे लगा के एलईडी से उतना पोर्शन ग्रीन कर दिया उस पर्टिकुलर में, और उस ग्रीन लाइट में क्रॉस से मैंने पार डाल दी तो उसमें जो एक्टर था वो थोड़ा हाईलाइट हो गया और ग्रीन की इंटेंसिटी रखी तो लगा दूर से कि एक उपवन में एक आदमी टहल रहा है, उस पर क्रॉस लाइट आ रही थी। तो एलईडी का लाइट का इस्तेमाल आप ऐसी जगहों पर प्लेस में कर सकते हैं, क्योंकि ये आप कहें ना कहें अब हॉल में ये आपको अवेलेबल कर दी जाती है, साहब लाइट एलईडी लाइट लगी है सर, जी लगी है तो आप इस्तेमाल करो उसको, तो इस ढंग से हम कर सकते हैं। जी सर, यही कोई अगर समारोह हमारा ओपन में हो रहा है, ओपन एयर प्रोग्राम है, तो वहां लाइट की डिजाइनिंग कैसे होती है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए ऐसा है, एक बार आप ओपन एयर करें या आप ऑडिटोरियम में करें, जी एक बार जब अंधेरा हो जाता है आपका वो स्टेज अगर बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी कोई प्रिकॉशन की जरूरत है, क्योंकि वंस अगर अंधेरा हो गया आपका और अगर आपका प्रॉपर, देखिए प्रॉपर स्टेज नहीं है तब तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेज नहीं है तो चीजें अनलिमिटेड हैं, तो आपको देखना पड़ेगा लाइट की कहाँ पर, प्लस ओपन एयर में आपको जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो स्टेज के चारों तरफ ट्रसेस लगा दी जाती हैं, स्टेज के आगे हम लोग स्टैंड लगाते हैं, टीज लगाते हैं जो टी की तरह स्टैंड आते हैं, तो वो हमें खाली एंगल्स का ध्यान रखना पड़ता है। लाइट्स तो देखिए यही होती हैं, जो पीसी हुई, प्रोफाइल हुई और आपकी पार लाइट हुई, जैसा मैंने कहा आजकल एलईडी लाइट्स, तो एलईडी लाइट मिल जाती हैं, तो इन सब आपको कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। और अदरवाइज और कुछ आपके लिए लाइट डिजाइनर के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है, जो वहां पर आपको एंगल चेंज हो रहे हैं उनके हिसाब से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि हॉल में क्या होता है कि आपको प्रॉपर FOH लाइट मिलती है, आपको स्टेज के अंदर से लाइट मिलती है, ओपन एयर में क्या होता है कि चारों ओर स्ट्रेस लग जाती है, अंदर लाइट लगाते हैं खर्चा बढ़ जाता है, आगे आपको फ्रंट में लाइट दे देंगे अब वो इंस्टेंट है, तो आपको एंगल जो होते हैं लाइट में, एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एंगल की जी। एक पॉइंट रह गया था कि किस एंगल से आपको लाइट मिल रही है कि आपका पूरा कवर हो जाए, आपकी शेडोज को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकें ये क्रॉस लाइट से। तो जितनी भी अवेलेबिलिटी लाइट्स की है, कभी कभी हम शेडोज को नहीं काट पाते हैं क्योंकि उतनी क्वांटिटी में लाइट्स नहीं मिलती हैं, एंगल नहीं मिलते हैं हमको, तो ये सब बातें ऐसी जो लोकेशन स्पेसिफिक होती हैं, अगर आप ओपन में कर रहे हो तो ये वहां के हिसाब से किस तरह से लाइट की व्यवस्था की गई है उस हिसाब से लाइट डिजाइनर को देखना होगा कि वो जो चीज वो चाहता है उस नाटक प्रस्तुति के लिए वो कैसे अचीव कर सकता है, तो बेस्ट पॉसिबल उसको अचीव करना चाहिए। सर आपकी बातों से मुझे यही लगता है कि अगर हम मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें तो हमको आगे काम मिलता है और उसकी पहचान मिलती है,
और आपके साथ तो बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे और आपकी पढ़ाई ने भी उसमें सहयोग दिया, इसीलिए शायद आपको बहुत सारे पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिला आपको, बधाई उसकी। तो सर, नाटक को लाइट डिजाइन जब करते हैं नाटक में, तो किन बातों को आप मेनली ध्यान में रखकर लाइट डिजाइन और ऑपरेट करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर जो होता है प्ले का, ही इज द मेन पर्सन, क्योंकि वो उसी का ही कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी जो मेरा अपनी एक अप्रोच रही है, वो मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि अभी तक उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, मैं जैसे वही मैं शेयर करना चाहूंगा कि पहले स्क्रिप्ट को पढ़ लेना चाहिए, जो मुझे लगता है अक्सर मैं देखता हूँ बहुत से लोग भाई लाइट करनी आ गए, पता नहीं नाटक क्या है, बैठा देखा, जो चल रहा देखा, नोट किया जी। आप नाटक को पढ़िए पहले कि नाटक क्या है, फिर आप रिहर्सल देखिए नाटक की जी, देखिए डायरेक्टर क्या, किस तरह से डायरेक्टर ने उसको डिजाइन किया है ना, फिर आप खुद पहले समझिए, आपके दिमाग में आएंगे कि ये एक्टर यहाँ आ रहा है, ये सोलोलोकी है या ये एरिया में हो रहा है, ये आपके दिमाग में बनती जाएंगी जी, तो जी। जो आपके फ्रेम में नाटक को पढ़कर नाटक के रिहर्सल को देख के दिमाग में आई, तो एक टेम्पररी खाका आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, विच हेल्प्स यू कि फर्दर आप क्या करने वाले हैं। फिर आप डायरेक्टर से पूछिए कि भाई आप मुझे बताइए डायरेक्टर साहब, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो कभी कभी तो डायरेक्टर ये पूछते हैं, आप बताओ आपने क्या सोचा। हाँ। कभी डायरेक्टर कहते हैं कि जब आपसे सोचा तो आप बता दो भाई कि मेरे हिसाब से ये एरिया अलग कर लेते हैं, ये हम इसको स्पॉट पे ले लेते हैं, हम इसको बैकग्राउंड में ये कर लेते हैं, ये चीजें। और अगर डायरेक्टर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है कि नहीं मेरा कंसेप्ट है, हम आपको बाद में सुनेंगे, पहले आप मेरा, तो उसका जो डिजाइनिंग है कि भाई एक्टिंग यहाँ चल रही है, हम यहाँ पर पीछे बिल्कुल लाइट नहीं होनी चाहिए, दो एक्टर इज देयर, कभी कभी होता है ना कि आगे चल रहा हमें कुछ नहीं चाहिए, जबकि एक ही सीन का पार्ट है, फिर भी डायरेक्टर कहता है नहीं वो टोटल आप डार्क में रखिए, मुझे वहां लाइट नहीं चाहिए, तो अब आपको इस एरिया की डिजाइनिंग करनी है इसी एरिया में। तो डायरेक्टर का आपको लगा कि ये सोलोलोकी है, डायरेक्टर का ना ना ना, मैं चाहता हूं कि ये पूरे स्टेज पर ही ये ठीक है, आप इसको वो मत करो। तो डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसकी जो टोटल प्ले की डिजाइनिंग है वो बहुत मायने रखती है, और जो उसने डिजाइन किया है, अगर आपको लग रहा है इसमें आपका कोई अगर उसमें आइडिया आ रहा है तो आप उसको डिस्कस करिए। मेरा अपना मानना है डायरेक्टर इज सुप्रीम, अगर आप उसको आप क्रॉस मत करिए, उसको आप जबरदस्ती इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्ले के हिसाब से आपका जो आइडिया आ रहा है, इट कैन सप्लीमेंट द डिजाइनिंग ऑफ डायरेक्टर, तो आप उसे डिस्कस करिए। अगर वो मानता है आपकी बात तो वेल एंड गुड, नहीं मानता है तो आप जो डायरेक्टर चाह रहा है उसके हिसाब से जो वो चाह रहा है वो आप डिजाइन कर दीजिए, उसको आप डिजाइन ऐसा करिए जो डायरेक्टर की चाही हुई नाटक की रिक्वायरमेंट है वो अचीव हो जाए। ये एक बेसिक अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन बस वही है, नाटक को पढ़ना, नाटक को रिहर्सल देख के समझ लेना, नाटक को खाली आप रिहर्सल में आए और आपने देखा अच्छा यहाँ पे स्पॉट, ओके आपने नोट किया और आपने ऑपरेट कर दिया, ओके चल जाएगा, वो भी चल जाएगा, लेकिन एक जो समझदारी की जो अप्रोच है, जो एक डेप्थ के साथ अप्रोच है, वो यही होनी चाहिए कि आपको साइमल्टेनियसली चलना है एंड डायरेक्टर का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपको डिजाइनिंग करनी है।